हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि खाली पेट कच्ची लहसुन खाने की क्या नुकसान है, यानी कि किन लोगों ने खाली पेट कच्ची लहसुन नहीं खानी। आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को कच्ची लहसुन खाने की सुबह खाली पेट सलाह दी जाती है, क्योंकि ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर करती है। इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कुछ पांच दिक्कतें ऐसी हैं, पांच प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें ये कच्ची लहसुन सुबह खाली पेट नहीं खाई जाती। इवन कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी हैं जिनमें लहसुन खाने की सलाह नहीं दी जाती। तो आज मैं वो पांच दिक्कतें बता रही हूँ जिनमें आप कच्ची लहसुन बिल्कुल नहीं खाएं। तो सबसे फर्स्ट, जिनको भी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन लोगों ने भूल कर भी सुबह खाली पेट कच्ची लहसुन नहीं खानी। इवन उन्होंने कच्ची लहसुन खानी ही नहीं है। खाने में आप पकी हुई थोड़ी बहुत लहसुन खा सकते हैं। दूसरी तरफ, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, यानी कि जिनको हाई बीपी है, वो कच्ची लहसुन सुबह ज़रूर खाएं, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन जो लो बीपी पेशेंट हैं, वो कच्ची लहसुन खाली पेट नहीं खाएं। दूसरा, जो भी लोगों को किसी भी कारण से सर्जरी करवानी पड़ रही है, वो लोग कच्ची लहसुन खाना 15 से 20 दिन पहले ही बंद कर दें, क्योंकि जब वो सर्जरी करवाएंगे तो उस टाइम ब्लीडिंग का फ्लो ओवर हो जाएगा, इसीलिए उनको दिक्कत आ सकती है। यानी कि सर्जरी से 15 से 20 दिन पहले और 15 से 20 दिन बाद में कच्ची लहसुन नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा, जिनकी बॉडी में खून की कमी है, उन लोगों ने भी कच्ची लहसुन नहीं खानी, क्योंकि कच्ची लहसुन खाने से हीमोग्लोबिन का स्तर बॉडी में कम हो जाता है। इसीलिए जिनकी बॉडी में खून की कमी है, उन लोगों ने भी कच्ची लहसुन नहीं खानी। इसके अलावा, प्रेग्नेंट लेडी ने भी कच्ची लहसुन खाली पेट नहीं खानी। इवन उन्होंने खाली पेट क्या वैसे भी कच्ची लहसुन नहीं खानी, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, जो कि बच्चे के लिए और माँ के लिए बहुत हानिकारक है। और लास्ट, यानी कि पांचवी है, जिनको भी बहुत एसिडिटी या सीने में जलन, अल्सर की प्रॉब्लम है, डायरिया की प्रॉब्लम है, उन लोगों ने भी खाली पेट कच्ची लहसुन नहीं खानी। इवन उन्होंने भी कच्ची लहसुन नहीं खानी। ऐसा करने से एसिडिटी, सीने में जलन और बढ़ जाएगी। ये थी पांच ऐसी दिक्कतें जिनमें कच्ची लहसुन खाना बहुत हानिकारक है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन और उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज़ बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।